हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे लिंकली डेटा स्ट्रक्चर को बेस्ड है। तो हमको हमारे प्रॉब्लम का नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। तो हमको क्या गिवन है, गिवन दी हेड ऑफ टू सिंगली लिंक लिस्ट, रिटर्न द नोड एट विच द टू लिस्ट इंटरसेक्ट, इफ द टू लिस्ट हैज नो इंटरसेक्शन एट ऑल रिटर्न नल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग टू लिस्ट बिगिन टू इंटरसेक्ट एट नोड C1। मतलब हमको दो लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उस लिंक लिस्ट में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करके बताना है। मतलब दो लिंक लिस्ट में जो कॉमन नोड है ना, उसका एड्रेस रिटर्न करना। ठीक है, आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एड्रेस रिटर्न करना है, तो हम मैप एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैप ऑफ लिस्ट नोड एस्ट्रिक और एक और इंटीजर। ठीक है, कुछ उसका नाम रख लिया मैं आपका। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट नोड एस्ट्रिक टेम्प, और ये अभी किस वाले लिंक लिस्ट के एड्रेस को करेगा पॉइंट, पहले वाले लिंक लिस्ट के एड्रेस को करेगा पॉइंट। अब हम एक लूप चलाते हैं व्हाइल टेम्प, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने मैप में बारी बारी से हमारे लिंक लिस्ट के नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेम्प क्या गया, टेम्प का नेक्स्ट। ये लूप के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्या हुआ, हमारे मैप में एक लिस्ट पूरा कॉपी होकर स्टोर हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं टेम्प टू, इसका नाम हम रख देते हैं टेम्प वन, इसका नाम है टेम्प टू। टेम्प टू में दूसरे वाले लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस स्टोर किया, उसके बाद यही लूप चलाएंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे मैप में लुकअप कर लेंगे। ठीक है, मैप में हम फाइंड कर लेंगे कि यदि हम एक कंडीशन लिखते हैं, इफ आंसर डॉट फाइंड क्या चीज TMP2, अगर मैप में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू आंसर डॉट एंड। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो इन डैट केस हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे टेम्प टू, और अगर ऐसा नहीं होता इस लूप के बाहर आने के बाद हम रिटर्न करेंगे नल। हो गया हमारा कोड, कितना सा ही था, रन करके देखते हैं। ठीक है, ओके, कुछ एरर आ रहा है। लिस्ट नोड, अच्छा ओके, यहाँ पे एस्ट्रिक हमारा छूट गया। ठीक है, TMP1, ठीक है, TMP1 में असाइन हो जाए TMP1 का नेक्स्ट। यहाँ पर भी TMP2 जाएगा, यहाँ पर भी TMP2 जाएगा। ठीक है, ओके, अब कंपाइल करके चेक करते हैं। यहाँ तो नल ही रिटर्न करने बोला है ना, अगर फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो। कैपिटल नल होगा। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है, हमारा इनपुट था एक। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, इंटरसेक्टेड एट 8, ओके, और एक्सपेक्टेड भी था वही। सबमिट करते हैं इस कोड को, बहुत सिंपल था, मगर मैप यूज करेंगे ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो सकता है। एक और इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है कि आप उसका एड्रेस नहीं भेजो उस नोड का, आप डेटा भेज दो। ठीक है, तो
उम्मीद है आपको इस कोड को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप इस कोड को ड्राई रन कर लो कॉपी पेस्ट पे, कॉपी और पेन लेके, ठीक है। ड्राई रन करो कि हर एक स्टेप में क्या हो रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे मैप में हम अपना एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको एड्रेस ही रिटर्न करना है। उसके बाद हम लुकअप किए हैं बेसिकली, क्या हम जिस नोड पे हैं वो नोड मैप में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ये जो व्हाइल लूप चला है ना, इसमें हम वही टास्क परफॉर्म किए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।